Hello students, in the previous video we have seen three common scale of temperature, that is degree Celsius, degree Fahrenheit and Kelvin. In this video, first of all we will study or we will learn that how degree Celsius can be converted into Fahrenheit, degree Fahrenheit and Kelvin, and after that we will start new topic of this unit, that is uncertainty in measurement. So students, we can change degree Celsius into degree Fahrenheit and into Kelvin by following relationship. तो कुछ ये दोनों, जैसे हम degree Celsius को degree Fahrenheit में या Kelvin में change कर सकते हैं. Degree Fahrenheit will be equal to 9/5 into degree Celsius प्लस 32. इस फार्मूले को यूज करके हम लोग डिग्री सेल्सियस को फारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं. इसी तरह से डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15. मींस डिग्री सेल्सियस में अगर हम 273.15 ऐड कर देंगे तो जो हमारा टेम्परेचर केल्विन में चेंज हो जाएगा. नोट करने वाली बात यह है कि टेम्परेचर बिलो डिग्री 0 डिग्री सेल्सियस, दैट इज निगेटिव वैल्यूज आर पॉसिबल. मीन्स डिग्री सेल्सियस में जो टेम्परेचर है उसकी निगेटिव वैल्यू पॉसिबल है, बट इन केल्विन स्केल निगेटिव टेम्परेचर इज नॉट पॉसिबल. केल्विन स्केल में कभी भी निगेटिव वैल्यू नहीं आती है. तो ये आप लोग माइंड में रखिएगा कि डिग्री सेल्सियस की वैल्यू निगेटिव हो सकती है लेकिन केल्विन कभी भी निगेटिव में नहीं आता. केल्विन की वैल्यू कभी निगेटिव में नहीं होगी. तो स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही. वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो विथ नेक्स्ट टॉपिक. थैंक यू. नाउ अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट. अनसर्टेनिटी मीन्स होता है एरर. इन द केमिस्ट्री One has to deal with experimental data, calculations. केमिस्ट्री में कई बार ऐसा होता है हम लोगों को एक्सपेरिमेंटल डाटा निकालना पड़ता है, उसके बाद उसका थ्योरेटिकल कैलकुलेशन करना पड़ता है. इन दोनों प्रोसेस में कुछ इरर आ जाता है. तो उस इरर को दूर करने के लिए देर आर मेनी मीनिंगफुल वेज टू हैंडल द नंबर कॉन्वेंटली एंड प्रेजेंट द डाटा रियलिस्टिकली विथ सर्टेनिटी टू द एक्सटेंट पॉसिबल. तो यहाँ बहुत सारे कई तरीके दिए गए हैं जिससे ये किया जाता है कि जो भी थ्योरेटिकल कैलकुलेशन है, डाटा है, उसमें इरर कम हो. तो सबसे पहला फर्स्ट वे आपका है साइंटिफिक नोटेशन. केमिस्ट्री में हम लोग एटम और मॉलिक्यूल बारे में स्टडी करते हैं, और आप जानते हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हैव एक्सट्रीमली लो मासेस. इनका मास बहुत ही कम होता है. उसके साथ साथ एटम्स एंड मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन एक्सट्रीमली लार्ज नंबर. अगर हम छोटा सा या 1 ग्राम या 2 ग्राम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ले लें, जैसे फॉर एग्जाम्पल If we take 2 gram of hydrogen molecules, it contains 206, 200. इसके बाद हम लोगों को कितना जीरो लिखना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. मीन्स 206 और 200 के बाद 18 जीरो हम लिखें, कितने पार्टिकल्स पाए जाएंगे कितने में, इन 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स में. तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का अगर हम 2 ग्राम लें तो इतने ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स में पाए जाते हैं. इसी तरह से अगर हम मास ऑफ हाइड्रोजन आइटम, मीन्स हाइड्रोजन आइटम का मास देखें तो वो कितना है, 0.000000000. इस तरह से कितने जीरो लिखना पड़ेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, 3, 20 मीन्स 0. फिर 23 जीरो लिखेंगे, इसके बाद 166 ग्राम. मीन्स
इतने ग्राम मास किसका है, हाइड्रोजन एटम का। इसी तरह से आपका प्लैंक्स कांस्टेंट है, स्पीड ऑफ लाइट है, चार्ज ऑन पार्टिकल्स है एट्सेट्रा, ये सारे भी इतने ही बड़े नंबर्स को इन्वॉल्व करते हैं। जितना नंबर आप यहाँ देख रहे हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में जितने पार्टिकल्स हैं या हाइड्रोजन एटम का जो मास है, इतने बड़े नंबर लिखे जा रहे हैं। इसी तरह से इन सब की वैल्यू भी इतनी ही बड़ी होती है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है, पहला प्रॉब्लम तो ये है, टू राइट दीज लार्ज नंबर इट टेक्स मच स्पेस। इतने बड़े नंबर को लिखने के लिए बहुत ज़्यादा स्पेस। डिफिकल्टी ये है, डिफिकल्ट टू ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई एंड डिवाइड टू दीज नंबर। अब इतने बड़े नंबर्स को लेकर के एडिशन करना हो, सब्ट्रैक्शन करना हो, या उसका मल्टीप्लिकेशन करना हो, उसके साथ साथ अगर उसको डिवाइड, तो ये भी काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। सो टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स वी यूज साइंटिफिक नोटेशन। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग साइंटिफिक नोटेशन का यूज करते हैं, जिसको प्रिंट करते हैं n इंटू 10^n। ये कैपिटल n क्या है? इट इज ए नंबर जो कि डिजिट के फॉर्म में होता है, और इसकी वैल्यू क्या होगी? इन बिटवीन 1.0 to 9.999 एंड सो ऑन, ठीक है। और स्मॉल n क्या है? इट इज एक्सपोनेंट, ये एक्सपोनेंट है, और इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और निगेटिव भी हो सकती है। तो इस तरह से अगर हम किसी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, जैसे सो वी कैन राइट द नंबर, एक नंबर दिया गया है 3678.524, इसको हमको लिखना है इन टर्म्स ऑफ साइंटिफिक नोटेशन। तो कैसे लिखेंगे? ये जो नंबर दिया गया है, नंबर हमने यहाँ लिखा हुआ है 3678.524, इसको हमको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, तो हम क्या करेंगे, इस डेसिमल पॉइंट को मूव कराएंगे और ले आएंगे जस्ट आफ्टर वन डिजिट। मीन्स आपने देखा कि जो कैपिटल एन है, जो कैपिटल एन है उसकी वैल्यू कहाँ तक होनी चाहिए? इसकी होनी चाहिए 1.0, इन बिटवीन 1.0 to 9.999। तो हम लोग करते क्या है कि जो भी डेसिमल पॉइंट है उसको हमेशा एक डिजिट के बाद ही लगाते हैं। तो यहाँ से क्या करेंगे, इस डिजिट को हम मूव कराएंगे, तो ये हो जाएगा आपका, इस डेसिमल पॉइंट को मूव कराएंगे तो ये हो जाएगा 3.678524 इंटू 10^10। 10^10 कितना होगा? जितना डिजिट ये डेसिमल पॉइंट मूव करेगा, कितना डिजिट मूव किया है, 1, 2, 3, इसलिए इसका 10^3 हो जाएगा। तो आप यहाँ देखिए डेसिमल पॉइंट किस साइड में मूव कर रहा है, लेफ्ट साइड में, मूव टूवर्ड्स लेफ्ट साइड फॉर 3 प्लेसेस एंड द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 3, इसलिए n की वैल्यू क्या हो गई, 3, जो कि हमने यहाँ लिखा है 10^3। इसी तरह से एक दूसरा नंबर ले लेते हैं हम लोग, 0.00069 32। अब इस केस में क्या है, अब हमको साइंटिफिक नोटेशन इसका लिखना है, तो डेसिमल पॉइंट को मूव कराएंगे और इसको कहाँ प्लेस करेंगे, जस्ट आफ्टर वन डिजिट। दैट मीन्स वी नीड टू मूव द डेसिमल पॉइंट टू द राइट साइड, राइट साइड में मूव कराएंगे तो ये डिजिट हो जाएगा 6.932। कितने डिजिट हमने मूव कराया है, 1, 2, 3, 4, तो स्मॉल वन एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4, ये हो जाएगा 6.932 इंटू 10^-4। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि वेन डेसिमल पॉइंट मूव टूवर्ड लेफ्ट साइड, जब लेफ्ट साइड में डेसिमल पॉइंट मूव किया तो वैल्यू ऑफ एन विल बी पॉजिटिव, तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, जैसा कि आपने यहाँ देखा है ये लेफ्ट साइड में मूव किया तो एन की वैल्यू क्या है, 3 है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, 10^3 हो गया। लेकिन जैसे ही ये डेसिमल पॉइंट राइट साइड में मूव करेगा तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, निगेटिव, जैसा कि यहाँ आपने देखा
इज 6.932 इंटू 10^-4। तो ये n की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ -4 हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि जो डेसिमल पॉइंट है वो किधर मूव किया है, राइट साइड में। तो हाउ साइंटिफिक नोटेशन कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्ट, तो हम लोग देखेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर गिवन इन साइंटिफिक नोटेशन। कोई भी नंबर अगर साइंटिफिक नोटेशन में दिया है तो उसका हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल वी हैव टू नंबर्स, सपोज करिए हमारे पास दो नंबर है 8.392 इंटू 10^3 और दूसरा नंबर है 6.32 इंटू 10^2। इसका हमको एडिशन भी करना है और सब्ट्रैक्शन भी करना है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने से पहले हम क्या देखेंगे, जो 10^3 या एक्सपोनेंट जो है, जो आपका एक्सपोनेंट है वो क्या होना चाहिए, बिल्कुल सेम होना चाहिए। जब तक दोनों एक्सपोनेंट सेम नहीं होंगे दोनों डिजिट के, तब तक हम उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। दैट मीन्स बिफोर एडिशन और सब्ट्रैक्टिंग वी नीड टू मेट द एक्सपोनेंट सेम फॉर बोथ नंबर्स। दोनों नंबर्स के लिए पहले हमको क्या करना है, एक्सपोनेंट बिल्कुल सेम करना है। तो उसके लिए सपोज करिए हमने एडिशन शुरू किया है। एडिशन में क्या है, 8.392 इंटू 10^3 है, इसी में ऐड करना है हमको 6.32 इंटू 10^2। तो अब 10^2 को हमको किस में कन्वर्ट करना होगा, 10^3 में। क्या कराएंगे, इस डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट साइड में मूव करा देंगे, क्योंकि ये जो एक्सपोनेंट है अगर इक्वल नहीं होगा तो इसको हम एडिशन इसका ऐड नहीं कर सकते, कैन नॉट बी एडेड। इसके लिए हम क्या करेंगे, 8.392 इंटू 10^3 इसको एज इट इज लिख देते हैं, प्लस ये डेसिमल पॉइंट जब हम यहाँ मूव कराएंगे तो क्या आ जाएगा, 0.632 इंटू 10^3। ये वन डिजिट मूव किया इसलिए एक्सपोनेंट में 1 ऐड हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेफ्ट साइड में मूव कर रहा है इसलिए पॉजिटिव में बढ़ेगा। अब इन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं, ऐड करने के बाद क्या आ जाएगा, 9.024 इंटू 10^3। इसी तरह से सब्ट्रैक्शन को भी हम करेंगे। सपोज करिए हमारे पास दो नंबर है, सेम नंबर है 8.392 इंटू 10^3 -6.32 इंटू 10^2 विद द डिफरेंट एक्सपोनेंट। दोनों क्या है, दोनों कोई डिफरेंट है, कैन नॉट बी सब्ट्रैक्टेड, को नहीं सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे, इसलिए क्या करेंगे, इसका एक्सपोनेंट पहले इक्वल करेंगे। इक्वल करने के लिए सेम प्रोसेस है जैसे हमने एडिशन में किया था, मींस ये हो जाएगा 0.632 इंटू 10^3। तो अब आप देखिए यहाँ एक्सपोनेंट क्या है, सेम है, दोनों का एक्सपोनेंट 3 है। अब इन दोनों का हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो आ जाएगा आपका 7.760 इंटू 10^3। नेक्स्ट है आपका मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ नंबर्स। मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ नंबर्स गिवन इन साइंटिफिक नोटेशन। तो अभी आपने देखा सब्ट्रैक्शन और एडिशन के लिए रूल, अब हम देखेंगे मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के लिए। पहला रूल यह है, मल्टीप्लाई ऑब्लिक डिवाइड द नंबर्स दैट इज एन। जो n है कैपिटल n, उसका हम मल्टीप्लाई करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। और दूसरा है ऐड द एक्सपोनेंट। तो मल्टीप्लीकेशन देख लेते हैं, फॉर एग्जांपल 3.4 इंटू 10^6 इंटू 2.3 इंटू 10^9। इन दोनों को हमको मल्टीप्लाई करना है। तो जो पहला रूल है, फर्स्ट रूल, उसमें हम क्या करते हैं, मल्टीप्लीकेशन है तो मल्टीप्लाई, डिवीजन है डिवाइड। मल्टीप्लीकेशन है तो मल्टीप्लाई द नंबर्स। ये जो नंबर्स है n, इनको क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई। तो इनको एक ब्रैकेट में कर लेते हैं, 3.4 इंटू 2.3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, इंटू जो एक्सपोनेंट है उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे 10^6, इसका एक्सपोनेंट 6 प्लस इसका 9। आपका आंसर क्या आ जाएगा, 7.82 इंटू 10^15।
एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज करिए हमारे पास दो नंबर है, टू नंबर्स, वी हैव टू नंबर्स, 8.3 इंटू 10^3 मल्टीप्लाइड बाई 4.5 इंटू 10^5। इन दोनों नंबर्स को हम एक वन ब्रैकेट में कर लेते हैं, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 8.3 इंटू 4.5 और एक्सपोनेंट को क्या करेंगे, ऐड करेंगे 10^3, 3 और 5 को ऐड करेंगे तो 10^3+5। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आया 37.35 इंटू 10^8। अब आप यहाँ देखिए ये क्या है, ये साइंटिफिक नोटेशन में नहीं आएगा, क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन में क्या होता है, डेसिमल पॉइंट हमेशा वन डिजिट के बाद प्लेस किया जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, इस डेसिमल पॉइंट को मूव कराएंगे टू द लेफ्ट साइड एंड वी प्लेस दिस डेसिमल पॉइंट जस्ट आफ्टर 3। देन 3.7535 इंटू 10^8 था डेसिमल पॉइंट, लेफ्ट साइड में मूव किया, इसका मतलब एक्सपोनेंट 1 इंक्रीज कर जाएगा, तो 8 में 1 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 10^9। इस तरह से हमारा जो रिजल्ट आया 3.735 इंटू 10^9। नेक्स्ट है आपका डिवीजन, डिवीजन का भी एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। 3.5 इंटू 10^3 डिवाइडेड बाई 1.75 इंटू 10^4। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम जो नंबर्स हैं उसको डिवाइड करेंगे, मींस इसको हम इस तरह से लिखते हैं 3.5 इंटू 10^3 डिवाइडेड बाई 1.75 इंटू 10^4, या इसी को हम क्या करेंगे, 3.5 डिवाइडेड बाई 1.75 इंटू 10^3, ये तो था ही, ये जो आपका 10^4 नीचे था, ये नीचे से हम ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10^-4 हो जाएगा, जो पॉजिटिव में था अब निगेटिव में आ जाएगा। अब इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे, इन एक्सपोनेंट्स को ऐड करेंगे और 3.5 में 1.75 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पे आ जाएगा 2.0 इंटू 10^ ये प्लस 3 है, प्लस ये निगेटिव है -4, इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 2.0 इंटू 10^-1। तो इस तरह से हम जो साइंटिफिक नोटेशन होता है उसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, एंड स्टूडेंट्स वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।